रॉकेट से दहल गया इजराइल। किरियात में आईडीएफ हेडक्वार्टर पर हमला। नसरल्लाह के कत्यूशा ने मचाया कोहराम। सिनवार के टनल वॉरियर एक्टिव। सिनवार ने दिखाया नरक शाफ। एक घंटे के भीतर 65 रॉकेट धमाके। इजराइल का किरियात शमोना धुआं हो गया। धमाके हिजबुल्ला फाइटर्स ने किए। निशाने पर इजराइल का बेस था। कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से हिजबुल्ला ने आईडीएफ के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का ऐलान किया है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक को मजबूती से जवाब दिया गया है। ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर इजराइल ने आग बुझाने का मिशन भी शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला लड़ाकों के दागे गए रॉकेट रिहायशी बस्तियों में भी फटे हैं। हालांकि किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, मगर इजराइल का क्रोध लेबनान फ्रंट की जगह गाजा में दिखने लगा है। गाजा में जलते रॉकेट की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही। बारूदी गुबार से ढकी गाजा सिटी रह कर आग की लपटों में घिरती है, चीख पुकार मचती है और फिर इमारत काला खंडर बनती है। जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं। आसमान से बरस रही मिसाइलें मौत बांट रही हैं। हमास लड़ाके आमने सामने के युद्ध में कहीं टिक नहीं पा रहे, मगर जो युद्ध हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जंग उतनी भर नहीं। असल लड़ाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है। सुरंग में बैठे हमास की खूंखार पलटन भीषण पलटवार कर रही है। अपने बिलों से निकलकर हमास के स्लीपर सोल्जर कैसे कोहराम मचा रहे हैं, उसकी बस एक झलक देखिए। सुरंग से दबे पांव निकलते हैं हमास के बम स्क्वाड। इजराइल की फोर्स को करीब जाकर दहलाते हैं सिनवार के आत्मघाती हमलावर। इस घातक और विध्वंसक हमले का तोड़ अब तक नेतन्याहू की सेना तलाश नहीं पाई है। हमास के अकेले सुरंग वॉरियर्स के मुकाबला करने के लिए इजराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। इजराइल फोर्स से घिरा हमास का लड़ाका पत्थरों से बनी इमारत में शरण लेकर बैठा था। उसे घेरने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा आईडीएफ सोल्जर्स ने फायरिंग की। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में ये भिड़ंत कैमरे में कैप्चर हो रही थी। कई घंटों तक चले शूटआउट में आखिरकार आईडीएफ कामयाब रही, लेकिन एक अकेले हमास के लड़ाके ने दर्जनों जवानों को जोरदार टक्कर दी। इसी तरह उत्तरी गाजा में इजराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। शेख जायद टावर्स इलाके में हुई भीषण लड़ाई में आईडीएफ के कई जवानों को जख्मी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से छिप गए। टनल बैटल में हमास इजराइल फोर्स पर भारी पड़ रहा है। इसकी वजह सुरंग में मिल रही ईरान और हिजबुल्ला का फुल बैकअप है। इजराइल के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सैन्य प्रमुख बेनी गैंट्ज़ ने तो नेतन्याहू को ये वार्निंग भी दी है कि सुरंग में बैठे सिनवार का सफाया लगभग नामुमकिन है। अगर नेतन्याहू सही युद्ध रणनीति नहीं बना पा रहे हैं तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। נתניהו לא מבין שאחרי 7 באוקטובר הכל השתנה. אם יש לו ספק שסינואר יחוסל, שנגיע לאן שצריך תמיד, אם הוא לא מספיק חזק לעמוד בלחץ הבינלאומי, שיניח את המפתחות וילך הביתה. हमास चीफ सिनवार बीते 10 माह से सुरंग में छिपा बैठा है। सिनवार अमेरिका और इजराइल दोनों को चकमा दे रहा है। आखिर सिनवार का सर्च ऑपरेशन इतना लंबा क्यों खिंचता जा रहा है? क्या है अंडरग्राउंड गाजा की हकीकत? इजरायली हमलों से बचने के लिए हमास ने पूरे गाजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया है कि दुश्मन उनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है। एक वक्त इजरायली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं। हालांकि यह आंकलन उस वक्त गलत निकला जब आईडीएफ ने 1500 से ज्यादा टनल शैफ्ट्स को खोज निकाला। हमास के इसी अंधेरी दुनिया में इजरायल के नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया है। एक एक कर हमास लड़ाके बंधकों को मारते जा रहे हैं, जिससे इजरायल में भारी बखेड़ा मचा हुआ है। हाल ही में 6 बंधकों की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतन्याहू जहां बैकफुट पर है, वहीं सिनवार अपनी सुरंग से निकलकर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है। सिनवार ने सभी सुरंगों के दरवाजों को धमाके का ट्रिगर बना दिया है। हमास का अंडरग्राउंड नेटवर्क $1 अरब से ज्यादा खर्च करके अपग्रेड किया गया है। सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाया गया है कि बाहर से छूते ही जोरदार धमाके होने लगते हैं। जीपीएस सिस्टम और रोबोट से ऑपरेट होने वाला ये सिस्टम मिसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है। हमास की सभी सुरंगें गाजा पट्टी की घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई हैं। यहाँ आम नागरिक और ऐतिहासिक स्थल है। हमास की रणनीति भी इलाके पर कब्जा करने या हमलावर को हराने की नहीं है। सिनवार की स्ट्रैटेजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है, जिसके लिए वो इजरायली सेनाओं की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेष बदलकर खुलेआम घूमता भी देखा गया है। महिलाओं के कपड़े में गजा की गलियों में घूम चुके सिनवार को आईडीएफ सोल्जर्स पहचान भी नहीं पाए थे। इजरायल के लिए हमास की सुरंग जाल को भेद पाना भी आसान नहीं है। आईडीएफ की गहरी सुरंगों और बंकरों को बर्बाद करने के लिए खास तरह से विस्फोट करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह की लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबाह करने में लगती है, जिसमें अच्छा खासा वक्त लगता है। इसी फासले को हमास लड़ाके अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। वॉर जोन में हमास चीफ सिनवार भले ही रौब जमा रहा है, लेकिन अमेरिका ने सिनवार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए नरसंहार के आरोपों की घोषणा की है। इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए नरसंहार के केस में हमास चीफ याहिया सिनवार, पूर्व हमास चीफ इसमाइल हानिया, मारवा ईसा खालिद मशाल, मोहम्मद अल मसरी और अली बराका के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए गए हैं। सिनवार के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में सख्त फैसला सुनाया गया है। Today, the Justice Department unsealed charges against Yahya Sinwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States. As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support, and funding from the government of Iran and support from Hezbollah, have led Hamas's efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim. अमेरिका में हमास की टॉप लीडरशिप पर कानूनी हंटर चलाने की तैयारी है, लेकिन सुपर पावर हमास कमांडरों तक कभी पहुंच पाएगा भी फिलहाल इसके कोई आसार नहीं दिख रहे। ईरान के समर्थन से हमास फिर से ताकतवर बन चुका है। ईरानी हथियारों से हमास के लड़ाके तुलक्रम और वेस्ट बैंक में आईडीएफ को छका रहे हैं। रफा फ्रंट पर हिजबुल्ला के फुल सपोर्ट ने भी हमास लड़ाकों में नई जान फूंक दी है। نحن لم نتسلم شيئا جديدا وإن كان هناك يعني مقترح يستجيب لمطالب المقاومة ومطالب شعبنا فسنتعامل معه بإيجابية. आईडीएफ को सबसे बड़ा खतरा फिलहाल लेबनान फ्रंट पर है, जहां नसरल्लाह ब्रिगेड भयंकर पलटवार शुरू कर चुकी है। अपने टॉप कमांडरों के खात्मे से बौखलाए हिजबुल्ला फाइटर इजरायल में घुसकर बड़े हमले की प्लानिंग में है। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला फाइटर गाजा की सुरंग में बेस बनाकर हमास के साथ ज्वाइंट अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इसका पता सीरिया बॉर्डर पर गुलान हाइट्स बेस पर हुई एक घुसपैठ से चला है। यहाँ आईडीएफ ने बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे एक संदिग्ध का खात्मा किया है। इजरायल की बाढ़ के करीब कई दिनों से काफी हलचल देखी जा रही है। आईडीएफ की वार्निंग के बाद भी जब एक संदिग्ध ने बाढ़ पार करने की कोशिश की तो उसे ढेर कर दिया गया। इससे साफ हो गया है कि इजरायल को अब सीरिया फ्रंट पर भी अलर्ट मोड में रहना होगा। सीरिया रूट का इस्तेमाल हिजबुल्ला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इजरायल को दहला सकता है।